कुछ फील आई? इस एक वर्ड ने इस पूरे नेम की वैल्यू इंक्रीज कर दी, और इसमें सिर्फ एक एग्जाम का डिफरेंस है। और इसी एग्जाम को 13 सितंबर को तुमको फोड़ के आना है। एंड बिलीव मी गाइस, उसके बाद लाइफ बहुत चेंज होने वाली है। तुम्हारी फैमिली में जो रिस्पेक्ट है वो अलग लेवल पे होगी। सब तुमको डॉक्टर साहब कह के बुलाएंगे। बस जरूरत है अपनी 1.5 साल की मेहनत को रिजल्ट में कन्वर्ट करने की। जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगता है, एक अनयूजुअल सी फीलिंग आने लगती है। हल्का सा डर भी लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम सब भूल रहे हैं और हमें कुछ याद नहीं है। सो होल्ड ऑन गाइस, इट जस्ट अ नॉर्मल थिंग। सभी बच्चे ऐसा फील करते हैं। इवन दी रैंक 1 इज ऑल्सो गोइंग थ्रू दी सेम फीलिंग। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग अबाउट मेरा क्या होगा एंड स्टार्ट डूइंग वट यू हैव इन योर हैंड्स नाउ, विच इज कीप रिवाइजिंग एंड रिवाइजिंग टिल द लास्ट डे ऑफ योर एग्जाम। रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं होता। ऐसा कोई आइडियल डे नहीं आने वाला जिस दिन आप 100% श्योर हो जाओ कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा ही जो आपने पढ़ा नहीं होगा या लास्ट टाइम में रिवाइज नहीं किया होगा। सो जितना हो चुका है उसको लेके कॉन्फिडेंट रहो। जिनके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम ज्यादा होते रहते हैं और उसके लिए तुम परेशान रहते हो, तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक बात कि जो मॉक टेस्ट के मार्क्स हैं वो तुम्हारा सिलेक्शन डिसाइड नहीं करते। मॉक टेस्ट आर जस्ट प्रैक्टिस पेपर्स। 13 सितंबर को होने वाला नीट का एग्जाम डिसाइड करेगा। अब मैं आपको मॉक टेस्ट को लेके एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। नीट 2017 में जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरा जो सेकेंड लास्ट मॉक टेस्ट था उसमें मैंने स्कोर किया था 450 एग्जाम। उससे पहले जितने भी एग्जाम हो रहे थे उसमें मैं स्कोर कर रहा था 500 to 550 के बीच में मेरे मार्क्स आ रहे थे, लेकिन जो सेकेंड लास्ट एग्जाम था उसमें 450 स्कोर था। और अभी एग्जाम को सिर्फ 7 दिन बचे हुए थे। अब मेरे पास सिर्फ 2 choices थी। पहली कि मैं इस मार्क्स को लेके परेशान रहूं और आने वाले 7 दिन वेस्ट कर दूं। दूसरी चॉइस थी कि नेक्स्ट जो 7 days थे मैं उनका बेस्ट यूटिलाइज करूं ताकि जो मेन एग्जाम होने वाला है उसको मैं फोड़ सकूं। एंड आई चूज दिस सेकेंड वन। और जो मेन एग्जाम हुआ उसमें मैंने स्कोर किया 593 मार्क्स। आई मीन इतने मार्क्स मैंने कभी किसी भी मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं किए थे और मैंने इतने मेन एग्जाम में मार्क्स स्कोर किए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मॉक टेस्ट आर जस्ट प्रैक्टिस पेपर्स। मॉक टेस्ट को लेके अपनी प्रिपरेशन को डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड ऑन द डे ऑफ एग्जाम द टाइम मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। जिस सेक्शन को जितना टाइम डिसाइड कर रखा है उतना ही टाइम देना है। पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन पे अटकना नहीं है। किसी क्वेश्चन पे अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो उस क्वेश्चन को पेपर में मार्क करो, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली रीड करना है और सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। एग्जाम में जो आपका अटेंशन है और फोकस है वो अलग लेवल पे होना चाहिए। मेन एग्जाम में सिली मिस्टेक्स की बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो सिली मिस्टेक्स आर नो लेस देन ए क्राइम। और एग्जाम में अगर 2-3 क्वेश्चंस हम सोल्व नहीं कर पाते हैं बंच में, तो अपने को पैनिक नहीं करना। पैनिक करने से क्या होगा कि आप बाकी के जो क्वेश्चंस हैं बहुत इजी क्वेश्चन जो आपके सही हो सकते हैं वो भी गलत कर दोगे। तो आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बना के रखना है। और एग्जाम में अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है तो आप उसी टाइम 4 to 5 times डीप ब्रीदिंग करनी है। इससे क्या होगा कि हमको थोड़ा रिलैक्स फील होगा और हम पेपर में फोकस कर पाएंगे। सो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइस। जाओ और झंडे गाड़ के आओ। मिलते हैं एग्जाम के बाद। वैसे मैंने नीट 2020 के लिए कम ही वीडियोज बनाई है, लेकिन अगर मैंने आपकी 1% भी हेल्प करी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बताना आपका एग्जाम कैसा गया। तो फिर मिलते हैं एग्जाम के बाद। टेक केयर। बाय बाय।